नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मजा आया ना आज की कड़ी देख के? मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे आगे की उम्मीद भी दिखाई दी आज की कड़ी में कि अनुपमा वापिस आ गई है, तो आगे जो होगा वो तो ड्रामा होगा ही होगा। मालती देवी अपना खेल खेलेगी, मगर एक बात जो प्रूफ कर दी है कि माँ कभी अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, और यही है अनुपमा। तो बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके भी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भी अपनी बातें कही हैं। तो शुरू करते हैं सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा। शुरू करने से पहले, नंबर शेयर करने से पहले एक बात मैं आप सबसे करना चाहती हूँ, और तीन लोगों से स्पेशली जिनका ऑडियो कल मैं शामिल नहीं कर पाई, और उनका नाम है ख्याति जी, वर्षा और शबनम। तो आपका ऑडियो आया, मगर तब तक वीडियो शूट हो चुका था और एडिट भी हो चुका था जो आपने कल देखा। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है, मैं पहले काफी बार कह चुकी हूँ कि कोशिश कीजिए कि 3 बजे तक आपके ऑडियो मेरे तक पहुंच जाए। 3 बजे से लेट होता है तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि थोड़ी बाद में हम करेंगे, मगर वो करते करते कभी 4 बजे, कभी 4:30, कभी 5 बजे, ऐसे करके ऑडियोज आते हैं, तो फिर कभी मिस भी हो जाते हैं। और मुझे हमेशा मैं कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी का ऑडियो शामिल ना हो। तो वही कहूंगी फिर से कि कोशिश कीजिए 3 बजे से पहले और 10 मिनट के बीच बीच में ऑडियो अपना कंप्लीट करके भेज दीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए आज आपके ऑडियो सुनाती हूँ और नंबर भी शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजना है और बनना है हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। तो सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। कल शायद मैंने लेट भेजा, इसकी वजह से मेरा रिव्यू नहीं सुनाया गया, मेरी गलती होगी। लेकिन कल एक बात कहनी है मुझे कि कुमुद जी ने मुझसे कहा था कि अनुपमा ने वनराज का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसने उसकी सेवा क्यों की, और दूसरी बार जब उसे माइनर अटैक आया तब का। तो पहली बात का मैं कुमुद जी ये कहना चाहती हूँ कि उस टाइम जब वनराज का एक्सीडेंट हुआ था तब अनुपमा और वनराज का डाइवोर्स नहीं हुआ था, सिर्फ घर वालों को और सबको ये पता चला था कि वनराज का और काव्या का 8 साल से अफेयर चल रहा है और रिश्ता है, और वो घर छोड़ के भी चला जाता है। जब सबको पता चलता है तब उसे घर से बाहर निकाल देते बापूजी, और यही बात का वनराज ने गलत मतलब भी निकाला था अनुपमा की सेवा का। वो फिर से अनुपमा की जिंदगी में लौटना चाहता था, तब अनुपमा ने यही कहा था कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप काव्या के घर जाना नहीं चाहते थे और घर आना चाहते थे, इसलिए मैंने बा और बापूजी और बच्चों के लिए आपको इस घर में आने दिया और आपकी सेवा की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैंने जो कुछ भी किया, मैंने आपकी सेवा की, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते की है। यही जवाब अनुपमा ने दिया था वनराज को। और जब माइनर अटैक भी आया उस टाइम भी अनुपमा गई, हम समझते हैं कि उसको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम भी वो सिर्फ और सिर्फ बापूजी और बच्चों के लिए ही गई थी, वनराज के लिए नहीं गई। लेकिन फिर भी वनराज ने उसे बुलाया, वो नहीं जाना चाहती थी लेकिन फिर भी अपना मन मार के गई थी वनराज से अंदर मिलने। और बाकी तो हमने सबने देखा है कुमुद जी। और दूसरी बात मनीषा जी के लिए, मनीषा जी आज तक कभी भी अंजू जी ने किसी के साथ भी कोई भी पक्षपात नहीं किया है कि वो कितना पढ़ा लिखा है क्या है। हम जिस तरीके से जो भी ऑडियो भेजते हैं उसी पे वो हमें राय देती है। हाँ इतना है कि वो बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी ऑडियो भेजना नहीं आया था। मैं भी मनीषा जी सिर्फ 9 तक ही पढ़ी हूँ, मुझे भी नहीं पता था ऑडियो कैसे भेजा जाए। वो तो मेरे बेटे की वजह से मैंने भेजा, लेकिन उस टाइम मेरा भी 26 मिनट का ऑडियो था, तब अंजू जी ने आधा सुनाया था मेरा ऑडियो और मुझे बताया था कि आप मुझे 10 मिनट, 9 से 10 मिनट तक भेज सकती है।
और हर बार वो बताती है कि 15 मिनट तक का भी मत भेजिए ऑडियो, वो नहीं सुना पाते, उनको भी बुरा लगता है। आप भेजिए, अगर 10 से 11 मिनट भी हो गई तो चलेगा, तब भी अंजू जी 12 मिनट का भी हो जाता है या 12.5 मिनट का भी हो जाता है, तब भी अंजू जी हमारा ऑडियो सुनाती है। इसलिए इस बात पे प्लीज ऐसा कुछ भी मत सोचिए मनीषा जी। अंजू जी सबसे प्यार से बात करती है और सबको अपना मानती है, और हम भी उन्हें मानते हैं अपना। वो कभी किसी के भी ऑडियो से या किसी की पढ़ाई से उन्होंने कभी कोई मतभेद किया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ आधा घंटे का अगर हम बोलेंगे तो अंजू जी नहीं सुना पाएगी। इसलिए प्लीज मनीषा जी ऐसा मन में कुछ भी मत रखिए और भेजिए ऑडियो आप। और कल भी अंजू जी मैंने कहा था कि वनराज कुत्ते की दुम है, जिसे चाहे 12 साल भी मिट्टी में दबा के रखोगे और निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, वैसा वनराज है। देखा आज के एपिसोड में, जब अनुपमा अनुज को इमेजिन कर रही थी कि कहीं वो तो नहीं आए, तब वनराज उसके सामने आ जाता है और जाओ बोलता है। अरे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मची, जाओ जाओ। एक बात कहो अंजू जी, बहुत अच्छा हुआ कि अनुपमा आने के बाद कहती है कि मैं अपना सपना छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी बेबली के बिना नहीं रह सकती। अगर अंजू जी उस टाइम अगर अनुज ने रोक लिया होता ना अनुपमा को, तो ये सह परिवार और आज मैं भी कहती हूँ कांता बेन भी इसका ब्लेम अनुज पे ही डालती कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नहीं जा पाई, और वनराज भी बोलता है कि अनुज की वजह से अनुपमा नहीं जा पाई, जबकि उसने खुद ने क्या किया वो सारा भूल चुका है वो। और अच्छा हुआ कि आज अनुज ने अनुपमा को फोन किया और उसने वो बातें सुन ली, छोटी की जो चीख बात छोटी जो चिल्लाई आई नीड यू मम्मी, वो भी सुना, मम्मी मम्मी भी बोल रही वो भी सुना। अनुज को एक तरह लगा कि अनुपमा ने नहीं सुना, उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन अनुपमा ने सुन लिया और वही सच कहा अंजू जी, वही गलती अनुज की अनुपमा के लिए वरदान साबित हुई है। और दूसरी बात, वनराज कितना भी कर ले लेकिन वो अनुज की तरह ना ही बन पाएगा और ना ही बन सकता है, क्योंकि अनुज जैसा इंसान बनना वनराज के नसीब में है भी नहीं और ना ही वो कभी बन सकता है, क्योंकि अनुज और अनुपमा का प्यार दिल से है, जबकि वनराज ने आज तक कभी भी किसी से भी दिल से प्यार नहीं किया, ना कभी अनुपमा से किया और ना ही कभी काव्या से किया है उसने। सच कहा आपने, बिल्कुल सच कहा कि उसने कभी किसी से भी दिल से प्यार नहीं किया, अगर करता तो उस प्यार की रिस्पेक्ट भी करता वो। अनुज और अनुपमा का प्यार तो किसी और ही लेवल का है, मैंने इससे पहले भी ऑडियो में कहा है अंजू जी कि अनुज और अनुपमा दो जिस्म एक जान है, उनका रूह से रूह का कनेक्शन है, उसमें कोई सी भी वनराज की कोई जगह है ही नहीं और ना ही कभी हो सकती है, और अनुपमा तो वो जगह किसी को दे भी देगी भी नहीं, क्योंकि उसने अनुज को बहुत अच्छे से जाना है अनुपमा ने। और मैंने कल भी ऑडियो में कहा था अंजू जी कि ये कैसे गुरु माँ है, एक बार बरखा ने भी कहा गुरु और माँ, गुरु का दर्जा भी माँ के समान होता है और माँ का दर्जा भी भगवान के बराबर का है, लेकिन ये कैसे गुरु माँ है जो अपने ही शिष्य से बदला लेने के लिए बोल रही है कि तुम्हें मैं माफ कर दूँ, अब मेरा चैलेंज है मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। वाह, ये है असली मालती देवी जो आज तक पर्दे में छुपी हुई थी। सच कहा अंजू जी आपने कि मालती देवी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, और अनुपमा को फंसा भी सकती, क्योंकि अनुपमा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया लेकिन उसको पढ़ा तक नहीं, ये हमने भी देखा है और आपने भी देखा हुआ है, जबकि उसे पढ़ना चाहिए था। लेकिन देखते अब आगे क्या दिखाते हैं मेकर्स,
और हमें क्या स्टोरी मिलती है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब अनुज और अनुपमा साथ हो तो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, वो दोनों डटकर सामना कर सकते हैं। हर परीक्षा में पास भी होंगे दोनों, कभी भी हारेंगे नहीं, कभी नहीं हार सकते अनुज और अनुपमा। आज तक इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से वो लड़कर उभरे हैं, उनका प्यार और आगे परवान चढ़ा है, तो अभी भी दोनों इस मुसीबत का भी सामना हंसते हुए और डट कर करेंगे। और वो भी अनुज है, अपनी अनुपमा को एक खरोच तक नहीं आने देगा। और आज भी सह परिवार सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश ही है, वहां पे भी रो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये तक याद नहीं आ रहा है कि वो बच्ची की हालत कैसी है, ना ही कभी उन्होंने पूछा तब से लेके अब तक। आप कह रही थी अंजू जी कि पाकी ने बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकी ने बताया है। अगर बताया होता उस हालत के बारे में तो कोई ना कोई तो जाता। कहाँ है अब काव्या, पूरा साह परिवार और जोशी परिवार, कांता, माँ, भावेश, बा, किंजल, पाखी, डिम्पी, पाखी नहीं, पाखी तो ऑलरेडी है वहां पे, काव्या, डिम्पी और किंजल, बा कहाँ है? ये लोग बोल रहे थे ना अनुपमा को कि हम देखेंगे उसको, अब कहाँ है? देख तो सिर्फ और सिर्फ अनुज और अंकुश और घर के ही लोग देख रहे हैं उसे। अब ना तो अनुपमा अमेरिका जा रहे हैं, तो अब तो पाखी, अब तो सॉरी अधिक और बरखा अब और डरेंगे, क्योंकि अब अनुज का फोकस अपने बिजनेस पे रहेगा ही रहेगा। और मालती देवी ने अगर केस किया, फाइनेंशियली कुछ भी हुआ, तो भी अनुज को सब पता चलेगा ही चलेगा। देखते आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन सच कहा अंजू जी आपने कि कान्हा जी किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते, और वो वरदान जब वो इंसाफ करते हैं तो क्या मालती देवी और क्या वनराज किसी का भी कुछ भी नहीं जोर चल सकता। कहते हैं ना कि भगवान सच्चे इंसान के साथ ही होता है, बुरे लोगों के साथ में कभी भी भगवान नहीं हो सकता। अनुज और अनुपमा दिल के बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए आज कान्हा जी भी उनके साथ ही है। और आज कान्हा जी ने अनुपमा को जो हिंट दी है, जो इशारा किया है, तो हर बार उसे सिर्फ और सिर्फ छोटी, हर जगह छोटी दिखाई दे रही है, और वही वर्ड भी छोटी का सुनाई दे रहा है, आई नीड यू मम्मी। देखते आगे क्या दिखाते हैं अंजू जी। लेकिन सच में आज आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपका कहना भी सच में। आगे देखते, और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते। और मनीषा जी आप भी अपना ऑडियो भेजिए, अंजू जी सबके साथ एक समान ही है, उन्होंने कभी किसी के साथ कोई भी मतभेद किया नहीं है। क्योंकि मैंने जब से मैं आप लोगों का पब्लिक वॉइस सुन रही हूँ, मैं खुद नहीं भेज पाई हूँ, लेकिन जब से सुन रही हूँ मैं, तब से मुझे तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी के साथ भी पक्षपात किया होगा। लेकिन हाँ एक बात उनकी सही है कि ज़्यादा बड़ा ऑडियो ना हो, इसलिए थैंक यू अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और आप भी प्यार से ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए हमें गाइड कीजिए और मेरे कहने पे राय दीजिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी, बहुत अच्छा आपने बोला। बाकी आपने जो कुमुद जी को बताया है, अपने जो भी एक्सप्लेनेशन है वनराज के बारे में, वो आपकी आपस की बात है, आप उसमें ही रखिए, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि अच्छा लगता है, इससे एक बात तो क्लियर होती है कि आप सिर्फ ना अपना ऑडियो सुनते हैं, बल्कि दूसरों के ऑडियो को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। कुमुद जी ने आपका सुना, आपने कुमुद जी का सुना, और बाकी सब भी एक दूसरे के ऑडियो को भी पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी, बाकी आपने जो भी कहा है बहुत अच्छा कहा है, मनीषा जी को भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और मैं भी मनीषा जी को यही कहूंगी इसी मैसेज में कि प्लीज आप किसी भी बात में कम मत समझिए अपने आप को। आप हम सब एक ही प्लेटफॉर्म में है, और हर किसी को एक अलग यूनिक क्वालिटी के साथ भगवान ने पैदा किया है, बस उस क्वालिटी को पहचानिए और अपने आप को जो है तारीफ कीजिए, अपनी अपने आप को अच्छा और बहुत अच्छा समझिए कि मैं मनीषा दोषी, और मनीषा दोषी दूसरी नहीं हो सकती है।
जैसे मैं अंजू हूं, दूसरी अंजू नहीं हो सकती, ये वन पीस ही है जो पैदा किया है भगवान ने, ऐसा सोचिए। क्योंकि जो मुझ में है वो दूसरों में नहीं हो सकता, ये तो बड़ी सी जो बात है वो है। हम जो फीमेल्स हैं, हम इसी बात पे हम लोग पीछे रह जाते हैं जब हम कंपैरिजन में चले जाते हैं, और कंपैरिजन जब करते हैं तो हम अपने आप को ही कम मानते हैं। तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाइए, बाकी तो आपकी ही इच्छा है। मैंने कल भी कहा था ऑडियो भेजना नहीं भेजना, ये कंप्लीट आपकी इच्छा है। तो थैंक यू सो मच आपके ख्याति जी ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा और आपका भी शो देखा मैंने, तो आपने सही कहा कि अनुज की वो गलती, वो जो फ़ोन करने की गलती, और जो यानी सही जगह से फ़ोन ना करने की गलती, तो वो उस वजह से अनुज अनुपमा को उसने बचा लिया। तो हाँ, सही कहा आपने कि वो अगर गलती नहीं करता तो अनुपमा को पता ही नहीं चलता, क्योंकि अनुज कॉल करने गया था, घबराहट में कॉल करने गया था अनुपमा को कि बता देता हूँ बताने की, पर वो नहीं बता पाया। नहीं चाहता कि उसकी अनुपमा अपना ये सपना पूरा ना करे, और बस कुछ बातें करके ये कर देता, पर अनुपमा छोटी की बातें सुनाई दे जाती है अनुपमा को। तो बस क्या कहना था, छोटी की बातें बस, फिर पूरी तरह अनुपमा को बार 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 ये कर रही थी कि छोटी को छोटी की आवाज़ उसे बार बार आ रही थी, जिधर भी देखती थी उधर छोटी छोटी दिख रही थी। तो यही तो ये सच में बहुत अच्छी गलती है अनुज की। कल मैंने इसके पहले मैंने कहा था कि अनुज ने फ़ोन नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कहा था मंजू मैम कि मैं क्योंकि बहुत परेशान हो गया था अनुज, सब लोग उसको बहुत बहुत इल्ज़ाम देते, अगर जो वो कॉल करके बुलाता ना तो सब लोग उसे बहुत परेशान कर जाते थे, उसको बार बार हमेशा इसमें ताने मारते कि तुम्हारी वजह से अनुपमा नहीं गई, छोटी की वजह से अनुपमा नहीं गई, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। अब बहुत हो गया था अनुज को इस बार, यानी हर बार उसको इस गलती उसी की गलती याद दिलाया जाता था, तो इसलिए मैंने कहा था। और अनुपमा पर अनुज अगर करता भी ना मैम, कल उसके बाद जितनी भी छोटी को तकलीफ हो रही थी, तो ऐसा लगता कि कर ही देना चाहिए, अभी अनुज ने कर ही देना चाहिए, पर कॉल अगर करता भी तो क्या मैम, कोई गलत नहीं होता, क्योंकि एक पिता है, और एक पिता अगर अपनी बच्ची को बचाने के लिए सही और गलत का शायद उस समय नहीं करता विचार और कर ही देता, पर अनुज ने बहुत संयम रखा। पर अनुपमा है, अनुपमा है, तो अनुपमा ने समझ लिया, ये तो मुझे हमको सबको पता था कि अनुपमा नहीं जाने वाली। और हाँ, मैंने कल आज एक और वीडियो देखा, उसमें दिखाया है कि अनुपमा फ्लाइट में तो बैठी है पर घबरा रही है, शायद उसे कोई अनइजी फील हो रहा है, तो वो हेयर होस्टेस पूछती भी कि मैम क्या हुआ आपको, क्या क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी, बताइए मैम क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, ऐसा कहती है। पर वहाँ माँ मुझे मालती देवी नहीं देखी सीट पर पता नहीं क्यों, तो पर हाँ इतना ही दिखाया, और अभी प्रोमो में तो सब दिखाए क्लियर ही हो गया, कल से ही दिखा रहे, तो आज तो क्लियर हो गया कि शनि आने वाले शनिवार रविवार में अनुपमा वापस कपड़िया हाउस पे दिखा रहे आया हुआ। हाँ, पर उसमें मुझे बापूजी भी दिखे घर में कपड़िया हाउस पे, बापूजी वनराज और बा और बाकी तो वहाँ पहले से थी क्या ना, तो इन लोग दिखाए हैं। और मालती देवी तो अभी है, अभी मालती देवी ने तो धमकी दे दी अनुपमा को, चैलेंज भी दे दिया, तो अब अनुपमा इस चुनौती को कैसा सामना करती है इस धमकी का, तो देखना है। बाकी इतना आसान नहीं है मालती देवी का ट्रैक अभी जाना, मालती देवी कुछ और करेगी अनुपमा को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, जो भी कुछ करेगी, तो मुझे लगता है कि अनुपमा इसका सामना करेगी। आज अनुज है उसके साथ, उसका परिवार है, तो अनुपमा जीत जाएगी ये जंग, और वो सजा देने अनुपमा सजा देने वालों में बिलीव नहीं रखती, वो तो अपने दुश्मन को भी अपना सा बना लेती है, सुधारना ही लाती है उसमें, आज तक कभी किसी को उसने सजा नहीं दी। तो अनुपमा भी ऐसे ही करेगी, मालती देवी को अपने प्यार से उनको अपनी माँ उनको माँ होने का एहसास दिलाएगी, टाइम लगेगा पर हाँ जरूर ऐसा ही कुछ दिखाएंगे शो में। तो देखते हैं आगे मालती देवी का, अभी भी असली समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो अनुपमा को इतना
ले ही क्यों जा रही थी जबरदस्ती, तो वो भी एक कारण है क्योंकि एक अनुपमा तो नहीं है ना, एक अच्छी डांसर बहुत से होंगे इस इतनी बड़ी दुनिया में, तो वो अनुपमा ही क्यों? तो हाँ, ये धारावाहिक के कहना हमारे को, हमें अनुपमा ही दिखा रहे हैं, पर ये जो जिद्द थी उनकी, इसलिए मुझे लगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। अंजू जी, एक बात पूछूंगी आपसे, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। कल आपकी नाराज़गी देखी मैंने, इससे मेरी हिम्मत नहीं हो रही आज पूछने की। तो नहीं, आपकी नाराज़गी जायज है, आप बिल्कुल सही थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, पर अब बुरा लगता है जब कोई हम कुछ ऐसा रिएक्ट करता है। तो नहीं अंजू जी, मुझे इस टाइप से नहीं पूछना था, मेरा भी कल आडियो ने दिखाया, तो मेरी क्या गलती थी, मुझे अपनी गलती जाननी थी, क्योंकि हो सा हो मेरी गलती होगी, क्योंकि हम लोग बहुत बार गलती कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि शायद कोई आवाज़ में प्रॉब्लम होगा, तो पता नहीं, या फिर हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं पर वो सुनाई देने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और आपने कई बार कहा कि आपको तकलीफ होती है उसको अच्छे से दिखाने में, बहुत आप उसमें करते हैं कोशिश करते हैं दिखाने की, तो शायद उसी वही वजह से होगा। पर मैं सिर्फ अपनी गलती जानना चाहती थी कि मैंने क्या गलती की, तो जो दोबारा मैं सुधारने की कोशिश करूंगी, बस ये एक वजह थी अंजू जी। पर आपने कल जो भी कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, कुछ भी गलत नहीं था। आप कभी ऐसा, इतने दिनों से मैं देख रही, मैं आज शुरू से आपके साथ नहीं थी, पर जब से भी जुड़ी हूँ तब से मैंने हर आपका आपने हर ऑडियो मेरा दिखाया, एक आध बार कोई जो भी गलतियाँ होती थी तो आपने मुझे बताया, तो मैंने कोशिश कर रही हूँ मैं सुधरने की, तो और रहेगी कोशिश जारी मेरी और अच्छा ऑडियो बनाने की। तो बस इसीलिए पूछा था अंजू जी, बाकी कोई अदरवाइज कोई भी रीज़न नहीं था, और आपको हर्ट करने का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं है मेरा, बस सिर्फ मैंने अपने लिए पूछा अंजू जी, बाकी कुछ नहीं। प्लीज़ अगर मुझसे गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करना, पर मुझे कहना, मुझे फक्र अपने मन की बात, मुझे अपनी गलती सुनना था और कुछ नहीं अंजू जी, बाकी थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। तो वर्षा, मैंने आप ही का ऑडियो सुनाया है दूसरे नंबर पे भी, क्योंकि इसलिए क्योंकि कल आपका ऑडियो नहीं लगा था और आपकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक थी जो लेट ऑडियो मिला। तो कोशिश कीजिए जल्दी भेजने की, और आपका ऑडियो हमेशा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि नई नई जानकारियां आपके ऑडियो में होती हैं। सबका ऑडियो अच्छा होता है, हर किसी का अलग अलग तरीके से होता है, तो इसलिए हर किसी की तारीफ भी अलग अलग तरीके से होती है। तो मैं तो अब बड़ी कॉन्शियस हो गई हूँ कि अगर किसी को मैंने ऐसा बोल दिया दूसरा कहीं माइंड ना कर जाए कि मुझे आपने नहीं बोला, मगर मैं इस पे काम करूंगी, ये मेरी अपनी ट्रेनिंग है। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ हो रही थी, मुझको भी हो रही। अनुज ने फ़ोन लगाया, सब किया, पर बोला क्यों नहीं, उसको बताना चाहिए था, बताया नहीं। बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, बताया नहीं। ये एक माँ को अपने बच्चों के आगे कुछ भी ये नहीं लगता, कैरियर क्या कुछ भी चीज़ ये नहीं। जब बच्चों को अगर ज़रा सी तकलीफ़ हो ना, तो माँ को ये था, अनुपमा माँ का दिल घबरा रहा है, पर मालती देवी अपनी ही खिचड़ी पका रही है और अपने ही इसमें ये कर रही है। बहुत ज़्यादा, एक गुरु इस तरह से नहीं हो सकता। एक गुरु कभी शिष्य का अहित नहीं चाहेगा, शिष्य आगे बढ़े उसकी खुशी काय में है, ये देखे। बहुत गलत दिखा रहे मालती देवी का, एक गुरु का इस तरह से अपमान बता रहे, बहुत गलत लग रहा है इस तरह से। वो गुरु है ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे बिजनेसमैन हो या पता नहीं कोई दुश्मनी हो, अब पता नहीं। शाह परिवार वाले भी जगे हैं, उसकी माँ भी जगी है, अनुज भी ये कर रहा है। आज अनुज को भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है, पर रिकैप में मैंने देखा कि अनुपमा वापस आ गई, तो कान्हा जी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस समय छोटू अनु को वाकई में उसकी बहुत ज़रूरत थी, और वह अगर वापस आ गई है तो प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आज तो बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू अंजू मैम। मनीषा जी, मैं आपके बारे में बोलूँगी कि आपकी सोच इतनी छोटी कैसे हो गई। हर बहन एक दूसरे से कम पढ़ी लिखी होगी, कोई ज़्यादा पढ़ा होगा, कोई कम पढ़ा होगा, और इस तरह से कोई नहीं सोचता कि ये नहीं आया किसी दिन अपना ये तो क्या बिगड़ता है। हो सकता है अपन ने कुछ साउंड अच्छा नहीं हो, अपन ने ढंग से बोला नहीं हो, ऐसी कुछ बात हुई होगी। आपकी सोच सुन के तो बड़ा बेकार लगा। और अंजू मैम ने तो ये कि ये प्लेटफॉर्म रखा है कि अपन अपने दिल की बात कर सके,
मेरा ये नहीं दिखाया, मेरा वो नहीं दिखाया, इस तरह से करना गलत लगता है। भले ही आप पढ़े लिखे नहीं हो या कम पढ़े हो, जो भी हो, पर अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखो। ऐसा क्यों सोचना कि मैं किसी से कम हूँ? बहुत गलत लगा आज मेरे को, अच्छा नहीं लगा कल आपका ये सुन के। अंजू मैम जो अपने को ये कर रही है, उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने औरतों की दिल की बात सुनने का या बोलने का मौका दिया है अपना। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ उसके लिए सॉरी, पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपनी थिंकिंग किसी भी लेडीज़ ने इस तरह से नहीं रखना चाहिए। पॉजिटिव और निगेटिव तो रखना पड़ेगा अपने को। कम पढ़े हैं तो अपन किसी से कम है क्या? यू को सोचना कि मैं कम पढ़ी हूँ इसलिए ये बहुत गलत बोला आपने, और मेरे को नहीं अच्छा लगा इस तरह से किसी को ये करना। आज एक तरह से आपने अन्यू मैडम को ब्लेम ही कर दिया, मेरे को बहुत गलत लगा है, सॉरी। हाँ, मेरी बात का आपको अगर बुरा लगता है तो, और मेरी सारी बहनों को थैंक यू, गुड मॉर्निंग, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अंजू मैम थैंक यू, अंजू मैम मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। हाँ, थैंक यू सो मच रेखा जी, आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं और मनीषा जी के लिए भी आपने संदेश दिया है, तो आपका संदेश है मनीषा जी ने जरूर सुना होगा। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं पहले बहुत कुछ कह गई हूँ, तो थैंक यू सो मच रेखा जी। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी सखियों को प्यार भरा नमस्कार। अनुपमा अपने सपने को छोड़कर वापस आएगी अपनी छोटी अनु के लिए, अच्छी बात है, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। पर यह भी सच है कि आगे चलकर छोटी अपनी मम्मी को माया की मौत का जिम्मेदार मानकर अनुपमा से नफरत भी करेगी, ऐसा हमको लग रहा है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सीरियल की शुरुआत हुई, विडंबना देखिए, दो मक्कार लोग ही अनुपमा को सी ऑफ करने आए हैं। अनुपमा अनुज को मिस कर रही है, पर वनराज वही बीच में रोड़ा बनकर खड़ा है, याद भी नहीं करने दे रहा है अनुपमा को। वनराज के चेहरे पर कितना सुकून दिख रहा है अनुपमा के जाने से। किसी और बच्चे को बिछड़ते देख अनुपमा को छोटी की याद सता रही है। अनुपमा फ़ोन लगाती है तो गुरु माँ आकर उसको रोक देती है। गुरु माँ सब समझ रही है पर वो अनुपमा को रुकने नहीं दे रही है। वाह रे गुरु माँ, अनुपमा को महसूस तो हो रहा है कि भगवान रोकना चाहते हैं पर मुझको रुकना भी नहीं है। पर एक बार छोटी का हाल चाल जानना चाहती हूँ कि छोटी कैसी है, लेकिन लोग पूछने नहीं दे रहे हैं। अनुपमा अपने वश में नहीं है, वो जा तो रही है पर मन उसका छोटी के पास है। छोटी मम्मी मम्मी बुला रही है तो अनुपमा को पूरा आभास हो रहा है कि वो बुला रही है, वो बहुत बेचैन हो रही है। अनुपमा फ़ोन देखकर अनुज का बहुत खुश हो जाती है, पर गुरु माँ के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अनुज बताना चाह रहा था अनुपमा को पर वो बात को घुमा देते हैं, पर छोटी की आवाज़ ने अनुपमा को झिकझोर कर रख दिया कि आई नीड यू मम्मी। अनुज को लग रहा है कि अनुपमा ने सुना ही नहीं है और वो चली जाए, और गुरु माँ हैं कि बस एक फ़ोन तक नहीं करने दे रही हैं। अनुपमा चलती जा रही है और वो छोटी के शब्दों को याद करके बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है। शाह हाउस वाले भी बुत बने बैठे इंतज़ार कर रहे हैं अनुपमा के जाने का। तोशु वनराज कितने सेल्फिश हैं दोनों। अनुपमा को छोटी के अलावा कोई नहीं दिख रहा है, उसी की आवाज़ें उसको सुनाई पड़ रही हैं। शाह हाउस वाले सब परेशान हैं पर डिम्पी को ये सब रास नहीं आ रहा है। अनुपमा को अनुज के कहे शब्द याद आ रहे हैं कि अपने सपनों पर फोकस करना, और छोटी के शब्द भी। अपने को बहुत कंट्रोल कर रही है अनुपमा पर बहुत बेचैन है वो। इस अनुज की अनुज चली गई ये अच्छा नहीं लगा सुनकर अनुज के ये शब्द। क्यों तेरा जाना जरूरी था, अनुज बोल रहे हैं, तो रोका क्यों नहीं अनुज ने अनुपमा को? उन्होंने छोटी के बारे में अनुपमा को बताया तक नहीं। प्री कैप में देखा कपाड़िया हाउस में
अनु वापस आ जाती है, कहती है मैं अपनी बेवली से दूर नहीं जा पाई, तो गुरु माँ का कहना सिर्फ अपनी ममता याद रही, मैं नहीं। अनुपमा गुरु माँ से माफ़ी मांगती है और गुरु माँ ने अनुपमा को थप्पड़ मारा। बीच में अनुज बोलने वाला था तो अनुपमा ने मना किया अनुज को। गुरु माँ बोल रही हैं अनुपमा से, तुम्हें माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, ये मेरा चैलेंज है। अरे गुरु माँ होती कौन है ये बात बोलने वाली, और क्या उनको बर्बाद कर देगी वो अनुपमा को। वारी गुरु माँ, तो क्या आपने अनुपमा को कमज़ोर समझ रखा है, वो भी डटकर मुकाबला करेगी आपका, मुँह तोड़ जवाब देगी। अब माया चैप्टर अब क्लोज हुआ है, तो ये गुरु माँ का चैप्टर अब शुरू हो गया है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, और बहुत अच्छा ऑडियो है। आपने भी एपिसोड को एक एक सीन की तरह जो दिखाती है, हमेशा ही अपनी आंखों से हमें अपना एपिसोड दिखाती है, वो हमेशा ही अच्छा लगता है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, सारी दीदियों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सब कुछ ठीक रहे, सलामत रहे, दुआ करती हूँ सब कुछ खुश रहे। मैं आज एक बात मनीषा दीदी के लिए बोलना चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा मनीषा दीदी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपने कहा कि मैं सिलाई कर कर और मैं किचन में खाना बनाकर, आपने बहुत कुछ अपने लिए बोला कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ इस वजह से नहीं कर, मेरी ऑडियो नहीं पसंद की जाती है। आपको मैं आज मैं भी बताना चाहती हूँ कि जब भी मैंने भी ऑडियोज़ भेजने की कोशिश की थी, और फर्स्ट टाइम ऑडियोज़ बहुत बार ऑडियो भेजने की कोशिश की थी, कितनी बार सही होता है और कितनी बार आवाज़ कभी अच्छा नहीं आता है, कभी तीन चार वीडियोस बना लेते हैं और एक वीडियोस पहुंचता है, पेनफुल होता है, ऐसा नहीं है कि पेनफुल नहीं होता है, होता है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। यही चीज़ हम लेडीज लोग के अंदर सबसे बड़ा गलती है, आप ये अपनी कमजोरी समझ लिए हैं, और इसीलिए आप अंजू मैम को बोले कि मैम आप शायद पसंद नहीं कर पाए इसलिए मैं ऑडियो नहीं भेज रही हूँ। ऐसा सोचिए मत, आपको जो बोलना है आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 5 मिनट का वीडियोस बनाना है और इतना ही बोलना है, तो आपकी वीडियोस 199% मैं खुद कह रही हूँ आप बहुत अच्छा वीडियोस बनाती हैं, और अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। आज ग्रुप में एक बात कहना चाहूँगी हर लेडीज़ को, याद रखिए खुद को भी बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को जो कम समझते हैं वो बाद में बहुत तकलीफ पाते हैं, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं भी मेहंदी लगाती थी, एजुकेशन है मेरा, ऐसा नहीं है कि मैं एजुकेशन में कम हूँ, मैं भी मेहंदी लगाती थी। मेरे ससुराल वाले अलाउ नहीं करते थे कि नहीं ये आगे कुछ नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, और मुझे आगे पढ़ने का भी बहुत मन था, आई मीन ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पीएचडी करने का मेरा मन था, तो ससुराल वाले का ना हो गया था कि नहीं इसको नहीं कराना है। उन्होंने धीरे धीरे करके मैं अपना पढ़ाई भी कंप्लीट करी और अपने साथ में अपने प्रेजेंटेशन को बनाना सब करना करने लग गई, यहाँ तक कि मेहंदी का जो डिज़ाइन है वो भी अप्रूवल हो गया कि इससे भी ज़्यादा अच्छा बना सकती हूँ। ऐसा प्लीज़ मत सोचिए, आई विल वेरी रिक्वेस्ट मनीषा जी, आप बहुत अच्छा करती हैं, और आपको आज ये एक बी टैलेंटेड ऑफ द ईयर अंजू मैम के ग्रुप में, मुझे 3 जन का वीडियोस इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 जन का नहीं सॉरी 4 जन का वीडियोस बहुत पसंद आता है। मैं खुद को भी ये चीज़ कहूँगी कि इतना अच्छा वीडियोस होने के बाद चाहती हूँ कि उनके जैसा वीडियोस मेरा मैं भी बनाऊँ, पर कोशिश करती हूँ तो नहीं हो पाता है। नाम बताती हूँ, फर्स्ट ऑफ अंजू मैम, वो कहाँ कहाँ से टेक्निकलिटी या कोई भी चीज़ को समझाना और कहाँ कहाँ से इवेंट निकाल कर वो बताती हैं कि ये गलती नहीं होता, और ऐसे अनुज कपाड़े की गलती है, या कितनी कितनी चीज़ें बताती हैं कि अनुपमा ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, बहुत कुछ ऐसा ऐसा इसे दिखाया गया है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं अच्छा नहीं कर सकती। कुमुद त्रिपाठी दीदी, बरखा दीदी,
टीना दीदी और ख्याति दीदी, लता दीदी, इन लोग का भी बहुत अच्छा ऑडियोज होता है। मैं चाहती हूँ उन लोग के जैसा ऑडियंस मैं भी बना पाऊँ, लेकिन नहीं बना पाती। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कम हूँ, नहीं कम नहीं हूँ, अच्छा हूँ। इसलिए प्लीज़ अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, और तो और वीडियोस बनाइए, ऑडियोस भी बनाइए, लेकिन एक बनाइए और कॉन्फिडेंस रखिए कि इतना ही होना चाहिए, भले 5 मिनट का हो या 2 मिनट का हो। अंजू मैम की कोई मिस्टेक नहीं है, आपको विश्वास नहीं होगा मैं भी कितनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ भेजती हूँ, कुछ लाइन्स मेरी नहीं जाती है तो मैं तकलीफ़ नहीं देखती हूँ। मुझे एनालाइज हो जाता है कि शायद ये लाइन ऑडियंस के सामने नहीं आनी चाहिए, इसी वजह से अंजू मैम ने काटा है। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा सोचिए नहीं, अपने आप को नीचे मत गिराइए, अपने आप को ऊपर करके रखिए। कोई किचन का काम कर लेना, कोई सिलाई कर देना, कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये भी एक मेहनत है। तो अपने आप में जो मेहनत कर रही हैं आप, और ये कौन गाइडलाइंस कहता है कि पढ़े लिखे कम है? आज आप हम लोग अनुपमा देख रहे हैं, क्या अनुपमा कोई चीज़ के लिए कम है? नहीं है, वो हर चीज़ में अप्रूवल है। जो आदमी अनुपमा देख रहा है और वो कह रहा है कि मनीषा जी आप खुद कह रही हैं कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ और ऐसा है, इस वजह से आप मेरा ऑडियोस और वीडियोस नहीं क्लिक करती है, तो ये आपकी गलती है। आप अनुपमा देखकर कमज़ोर कैसे बन गई? मैं तो नहीं बनी, यहाँ तक कि कैंसर होते हुए भी, कैंसर को ऑपरेशन कराने के बाद भी मैं इतना स्ट्रांग बनकर निकली हूँ। प्लीज़ मत बनिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। दीदी ये बात को गौर करिएगा कि महिमा ने ये बात कही है तो क्या उसने सही कही है या गलत कही है। थैंक यू यही बोलने के लिए। अब मैं अंशु मैम आपसे कहना चाहती हूँ, अनुपमा के लिए भगवान जी ने, कान्हा जी ने बहुत सारे संकेते दे रहे हैं कि स्टॉप वाला, मोबाइल गिरना, या तो कहने उसका फ़ोन आना और फ़ोन में आई नीड यू मामा बोलना, बहुत कुछ ऐसा संकेत हो रहा है। यहाँ तक कि प्लेन में बैठने के बाद भी दिखाया गया कि उसने बहुत कुछ ऐसा ऐसा संकेत आ रहा है उनके पास। तो इसका मतलब थोड़ी है कि अनुपमा मिलने के लिए बेचैन नहीं है, उनको अपनी छोटी का बहुत याद आ रहा है। पर क्या करे, किसी को एग्रीमेंट दिया गया है तो वो पूरा करेगी। अगर, और मुझे यही लगता है कि अनुपमा अमेरिका से ही वापस आ जाएगी, या बीच में ही प्लेन रुकवा कर वापस इंडिया आएगी और अपनी बेटी को संभालेगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहती, कोई गुरु माँ को राइट नहीं होता कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी या तुम्हारी लाइफ को ऐसे कर दूँगी। किसी भी गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि अपने स्टूडेंट के बारे में, अगर कोई जो स्टूडेंट इतना निपुण है अपने डांस को लेकर, अपने काम को लेकर, मल्टी टास्किंग को लेकर, वो स्टूडेंट को आप अपने मानते हैं कि आपके सारे रुपया खर्चे हुए हैं, और बंद हुए हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप अपने काम को लेकर कम है। इसीलिए आई विल वेरी रिक्वेस्ट कि आप ऐसा कभी ना सोचें कि गुरु माँ का जो ये पॉइंट वो देखी हूँ, मुझे सच में नफरत हो रही है, उसी वजह से नफरत हो गई है। किस तरह के, कोई भी गुरु माँ ऐसा नहीं बोलती हैं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए अनुपमा को कि ये चैलेंज है, मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और बहुत प्यारी प्यारी बातें और ज्ञान भरी बातें आपने अपने ऑडियो में कही हैं। थैंक यू वंस अगेन। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको? और फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 3 बजे से पहले पहले अपने ऑडियोस भेज दिया कीजिए, लेट हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है और कभी कभी नहीं भी सुना पाते हैं। तो नंबर भी नोट कर लीजिए जिसपे आपको ऑडियो या वीडियो भेजना है, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.